हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम कुछ इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना सीखेंगे। इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करना बहुत ही आसान है। अगर आप लोगों को सीखना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। उम्मीद है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का स्टेटस वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले काइनी मास्टर एप्लीकेशन ओपन करेंगे। हम अपने काइनी मास्टर एप्लीकेशन ओपन कर चुके हैं। इसके बाद हम प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे और 9:16 वाला साइज सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक बैकग्राउंड इमेज लाएंगे। इस इमेज का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को हम सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा इमेज है, इसको सिलेक्ट किए काइनी मास्टर में ऐड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर इस इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे, क्रॉपिंग पर क्लिक करेंगे और इसके साइज को कुछ इस तरह से एडजस्ट करके यहाँ पे क्लिक करके फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर इस इमेज को हम सिलेक्ट करेंगे और इसको 10 से 15 सेकेंड तक बढ़ा देंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक कलर स्किन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसको सिलेक्ट किए काइनी मास्टर में ऐड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको फुल स्किन कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे और ओवरले पे क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और नीचे जाएंगे, कलर एडजस्टमेंट पे क्लिक करेंगे और ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर लेंगे। इसको हम इतना कम कर लेंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और एक इमेज लाएंगे। इस इमेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को हम सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा इमेज है, इसको सिलेक्ट किए काइनी मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और स्किन पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से इसको रख लेंगे। फिर इसको जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसको बढ़ा देंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और अपना फोटो सिलेक्ट करेंगे, जिस फोटो से हमें स्टेटस क्रिएट करना है। इसमें आपको वही फोटो सिलेक्ट करना है जिसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका हो। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं आता है तो इसमें हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप इसको वॉच कर सकते हैं। तो चलिए अपने फोटो को हम सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फोटो इसको सिलेक्ट किए काइनी मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से इसको रख लेंगे। फिर इसको जहाँ तक बैकग्राउंड है वहाँ तक इसको बढ़ा देंगे, फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम स्टार्टिंग पे आ जाएंगे और लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पे क्लिक करेंगे और एक स्मोक का कलर स्किन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसको सिलेक्ट किए काइनी मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और स्किन पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर हम इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से इसको रख लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक स्मोक का ब्लैक स्किन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसको सिलेक्ट किए काइनी मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और स्किन पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर हम इस वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से इसको रख लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक लेरिक का ब्लैक स्किन वीडियो लाएंगे। इस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा वीडियो इसको सिलेक्ट किए काइनी मास्टर में ऐड हो चुका। इसके बाद हम नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे और स्किन पर क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे, फिर हम इस लरिक वाले वीडियो को सिलेक्ट करेंगे और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे और इसको यहाँ पे लाके कुछ इस तरह से इसको रख लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लेयर पे क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और एक फ्रेम का इमेज लाएंगे। इस इमेज का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस इमेज को हम सिलेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा इमेज इसको सिलेक्ट किए काइनी मास्टर में ऐड हो चुका। इसके
इसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और नीचे जाएंगे, ब्लेंडिंग पे क्लिक करेंगे और स्किन पे क्लिक कर लेंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। फिर हम इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे और इसको जहां तक बैकग्राउंड है वहां तक इसको बढ़ा देंगे। फिर हम यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारा वीडियो क्रिएट हो चुका। तो चलिए मैं एक बार प्ले करके देख लेते हैं कि हमारा वीडियो देखने में कैसा है। तो चलिए मैं इसको प्ले करते हैं। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। इसके बाद हम लास्ट में चले आएंगे और जो भी मटेरियल हमारा बैकग्राउंड से बाहर है इसको काट के हटा देंगे। तो दोस्तों अगर इसे मैं सेव करना, हम शेयर वाले बटन पर क्लिक करेंगे और अपना क्वालिटी सिलेक्ट करके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर लेंगे, हमारा वीडियो सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते अगली।